किसानों का तो बुरा हाल है जी, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, बहुत बुरी स्थिति है और सरकार ने एक रुपया भी नहीं बढ़ाया। ये बहुत ही गलत काम सरकार ने किया है, वरना किसानों के पिछली सरकारों में भी सब किसान 10-10 रुपए के भी, 20-20 रुपए के भी, 30-30 रुपए पर साल बढ़े हैं। इस साल कुछ नहीं बढ़ा और पेमेंट भी ठीक नहीं हो रहा। जब गन्ने का या गेहूं का या किसी भी चीज़ का किसान का भाव नहीं मिलेगा तो किसान तो अपने आप ही मारा गया। किसान इतना परेशान है कि गेहूं निकाल ले या पर गन्ना तोल ले, मजदूर लेबर मिल नहीं पा रही। इसमें किसानों की तो हालत यहाँ है, एक डेढ़ महीने में 5 दिन का पेमेंट हो, एक किसान की एक पर्ची बनाएगा या तो उसे उसका कर्जा दे लो, बिजली के बिल दे लो, थोड़ी लगाना पास है 100 झंझट है उन्हें दे लो या अपना घर चला लो। किसानों के को जो वादा, चुनावी वादा था, चुनावी नारा था, तो नारों का क्या, आज भी किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी शुगर फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें 14 दिन में पूरा भुगतान हो रहा हो। और विद इन जो सरकार की फैक्ट्रियाँ हैं, चलो आप प्राइवेट का रोना रोते हो नहीं करा सकते, लेकिन जो कोऑपरेटिव की फैक्ट्री हैं, जो सहकारिता की फैक्ट्रियां हैं जिनका सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, सरकार जिनको चलाती है, उनका भी 14 दिन में भुगतान नहीं हो पा रहा। तो ये तो मतलब लोगों को समझना चाहिए या जो लीडरशिप है उनको भी देखना चाहिए कि आप ऐसे झूठे वादे करते क्यों हो। तो सरकार ने तो बहुत कुछ किया पर कागजों में ज़्यादा है, अच्छा। हकीकत में कम। सरकार इसमें बिल्कुल खरी नहीं उतरी, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे लेकिन वे वादे होर्डिंगों पर ही रहे। भाई उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट देंगे या हम फिर ब्याज देंगे, ब्याज तो क्या देते, वो गन्ने का पेमेंट भी नहीं दे पाए। सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं तो सुरेश राणा गन्ना मंत्री होने के नाते उन्होंने गन्ने की कोई भी परिभाषा नहीं परखी। अभी वहाँ गए थे दिल्ली, वहाँ भी इन्होंने बुरा हाल करा किसानों का, लाठी चार्ज किया, पानी बरसाया, मिर्ची बम फोड़े, गोलियां चलवाई। ऐसा जी कई समस्या आएंगी, दूसरी और क्या, और दूसरी फसल कौन सी बोमे, उसमें नुकसान हो, उसमें सुअर होंगे, लील गाय होंगे, वैसे बिजार होंगे, और जंगली जानवर होंगे, पहाड़े होंगे, वे नुकसान करें। जो दलहन वाली खेती उसमें शहरी में नुकसान करें, खेती करी तो जाए लेकिन करें क्या। किसान जब भी जो भी चीज़ भारी मात्रा में बोता है वही पिट जा। सिरसों बो रखी है, 5,000 को थी पिछले साल, अब 2,500 को होगी, तो किसान कहाँ जाएगा। कुछ बिजार खा रखे, बिजार छोड़ दिए मोदी ने, अरे योगी ने, वे पूरा दिन रात तो बंडा किसान अपना उसमें उनके पीछे ले 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 करता हुआ, कहाँ जाएगा किसान। सबसे बड़ी समस्या जो है किसान की गन्ने की है, गन्ना टाइम पे चले जा, टाइम पे पेमेंट मिल जा तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार ने एक एजेंडा तैयार किया और उस एजेंडे के विपरीत गई, किसानों के हित की कोई भी बात नहीं कही गई। कृषि की योजना जो चला रखी है इन्होंने, काफ़ी योजनाएं हैं, ये तो संक्षेप में मैं बता नहीं पाता, पर वो किसान तक सही सिद्धि नहीं पहुंच पाती। अगर ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं कमाया जाता, वो तो ये है कि बस आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि पहले ले कर लगा लो और फिर जब धीरे धीरे आता है तो धीरे धीरे ही देते रहते हैं, उसी के बीच में अपना ऊपर नीचे, मतलब ये है कि कर्जा वो ही रहता है, 2 दिन के लिए उतरता है और फिर पूरे साल के लिए कर्जा चुका तो रहता है। हमारा जो है ये इस सीजन का ये लगा लो जनवरी से ही है, बस जनवरी से पेमेंट अब तक मार्च तक का बाकी है। कितना पैसा बाकी होगा। मेरा तो जी लगा लो, जब मेरा किसान ही छोटा हूँ, मेरी 10-12 पर्ची है और 10-12 मेरी जो है 2 पर्ची आई और जी 5 एक आई किसान नदी मिल, वे 5 पर चुकाया नहीं अब तक। तो कितना कितना बाकी होगा। होगा 25-30 हज़ार रुपये है जी। 30,000 रुपये, 3-4 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, अच्छा। और अभी तक कोई शुद्ध बुद्ध है ही नहीं, 2-2 साल के पेमेंट भी रुके हुए। अब मान लिया जब मिल ही नहीं रहा मैनेज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो कितना दिन का पेमेंट बाकी है। बाकी 2 महीने के करीब का पेमेंट है। गन्ने की लागत आज 350 रुपये क्विंटल है और गन्ने का किसान को मुआवजी दाम मिल रहा है 302 और 325 रुपये। तो मैं तो यही कहूँगा कि मंत्री जी भी राज्य के इसमें फ्लॉप दिखाई दिए। अबे तो राज करो, बैठे हो गद्दी में बैठे हो ना, क्या पता क्या क्या करना पड़े, क्या किसान को क्या क्या करना पड़े, क्या क्या नहीं करना पड़ता। देश में जो है कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, कुछ ऐसी भ्रामकता फैलाई जा रही है और उसमें जो एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसमें भी मीडिया का बड़ा योगदान है।
पूरा दिन आप चैनल पे देखोगे तो एक ही पार्टी की और देशभक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके सिवा जो बेसिक मुद्दे थे, मीडिया का काम क्या था? मीडिया का काम था बेसिक मुद्दे ऊपर आएं। आज मीडिया का काम है कि बेसिक मुद्दे नीचे जाएं और जो सरकार प्रायोजित बातें हैं वो चैनल पर दिखाई जाएं। तो इसमें जैसे पुलवामा हुआ, पुलवामा एक घटना है, कभी भी हो सकती है, लेकिन उसको उसके बाद जिस तरह से उसका हाइप क्रिएट किया गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। आपके देश की सरकार है, आप उसको कंट्रोल कीजिए, आपको जिम्मेदारी दी है सरकार ने, लेकिन जैसे हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसका और जैसे यूथ को गुमराह किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, तो जो हमारे बेरोजगारी, किसानी, गरीबी के मुद्दे थे निश्चित रूप से नीचे गए हैं और विपक्ष भी इनको ऊपर रखने में नाकाम रहा है।